हेलो दोस्तों, टेकवर्ड सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए YouTube Go ऐप, जो कि एक नई ऐप है YouTube की तरफ से लॉन्च की गई है मेनली इंडिया के लिए, उसका एक रिव्यू लेके आया हूँ। साथ में जो YouTube की नॉर्मल ऐप है उसमें एक नए फीचर ऐड हुआ है, उसका एक रिव्यू लेके आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं YouTube Go की। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है YouTube Go अनरिलीज्ड, तो इसको इंस्टॉल करते हैं। इसका लिंक आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, आपको पहले गूगल पर सर्च करना पड़ेगा YouTube Go अनरिलीज्ड प्ले स्टोर लिंक। उसके बाद आपको ये दिख जाएगा, जैसा कि हम लिखा गया है यहाँ पर, द ऐप इन डेवलपमेंट, इट मे बी अनस्टेबल। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों, इस ऐप को यूट्यूब ने स्पेशली इंडिया के लिए लॉन्च किया है, ताकि ये काफ़ी कम स्पीड पर भी, यानी कि 2G इंटरनेट पर भी आसानी से काम कर सकती है। इसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन किए गए हैं, जिससे ये ऐप कम स्पीड पर काम करेगी, और जो वीडियोज़ है वो कंप्रेस होकर कम मेमोरी लेंगे, और कम डाटा पर भी आप YouTube को एंजॉय कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं, जैसा कि ये इंस्टॉल हो रही है अभी, अब लगभग 6.77 MB की ये ऐप है। आप देख सकते हैं ये ऐप इंस्टॉल हो गई है। अब मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ फर्स्ट टाइम। तो इसमें आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, मराठी, सब तरह की लैंग्वेज मिलती है, और ये सपोर्ट धीरे धीरे करके इसमें बढ़ने ही वाला है। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आ रहा है डिस्कवर वीडियोस, इस पर नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद ये आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कहता है, तो मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ये अपने ईमेल आईडी को, जो भी आपने फ़ोन में लिंक कर रखा है एंड्रॉयड फ़ोन में, उसे सेलेक्ट करने को बोलता है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपके मोबाइल नंबर को एक बार वेरीफाई करेगा। इसमें आपको एक मैसेज आएगा, जो पिन ऑटोमेटिकली अगर सेलेक्ट कर लेता है, अगर नहीं कर लेता है तो ये आप एंटर कर सकते हैं इसमें। उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें सारे वीडियोस आ जाएंगे। दोस्तों, अभी इसमें केवल एक होम मोड ही दिया गया है, यहाँ पर आपको सारे सब्सक्रिप्शन आपको देखने का नहीं मिलेंगे। ये केवल एक नॉर्मल YouTube होम पेज की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपने रिसेंटली सर्च किया या वीडियोज़ देखे हैं, उस तरह रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर आते रहेंगे। धीरे धीरे जब ये वर्जन स्टेबल में आ जाएगा YouTube Go का, तो इसमें आपको शायद सब्सक्राइबर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अपने सब्सक्राइब किए गए वीडियोज़ को देख पाएंगे। मैं मान लीजिए ये एक वीडियो ऑन करता हूँ। जैसे मैंने इसको ऑन किया, तो सबसे पहले इसमें आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि इसमें आपको कोई भी वीडियो का पूरा एक कंप्रेस्ड वर्जन देखने को मिल जाता है, जो ऊपर फोटोज़ के रूप में आपको दिख रहा है। यानी कि आप कोई भी वीडियो देखने के पहले उसके रिलेटेड सारे, जो भी इसका एंड तक वीडियो का प्लेबैक रहेगा, वो सब आप इसमें देख सकते हैं फ़ोटोज़ के माध्यम से। उसके अलावा इसमें आपको क्वालिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिक क्वालिटी में ये 11.4 MB में ये सेव हो जाएगा, और स्टैंडर्ड क्वालिटी इसकी 94.5 MB है, यानी कि ये काफ़ी कंप्रेस्ड वर्जन है YouTube के नॉर्मल वीडियोस का। तो आप बेसिक क्वालिटी सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके जो सेव्ड ऑप्शन है वहाँ पर चला जाएगा, और ये सेव होता रहेगा। इसके अलावा इसमें कुछ और सेटिंग्स की बात करें, तो सेटिंग्स में आपको वही नॉर्मल सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। ऐप अपडेट करने का ऑप्शन है, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है, फ़ोन की स्टोरेज बता देगा, डिलीट सर्च हिस्ट्री, वॉच हिस्ट्री, और स्टेट्स को आप इनेबल कर सकते हैं, जिससे YouTube को इस ऐप को स्टेबल बनाने में और मदद मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव्ड में जो ऑप्शन आ रहा है उसमें ये वीडियो सेव हो चुका है। अब मैं इसको सेंड करने के लिए सेंड बटन पर क्लिक कर सकता हूँ और सेंड पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही सेंड पर क्लिक करूँगा, तो मुझे वीडियो सेलेक्ट करना होगा, तो मैंने ये वीडियो सेलेक्ट किया। तो ये एक हॉटस्पॉट क्रिएट करेगा, जिस तरह से आप जेंडर या फिर शेयरिट यूज़ करते हैं, उसी तरह का ये एक हॉटस्पॉट बन जाएगा। और जिस भी फ़ोन में दूसरे में YouTube Go होगा, उसमें ये आप सेंड कर सकते हैं, उसका डिवाइस यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। रिसीव करने के लिए आपको रिसीव का ऑप्शन मिल जाएगा, रिसीव पर क्लिक करते ही आपको सेम उसी तरह से हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा, और जैसा कि जेंडर और आप शेयरिट में यूज़ करते हैं रिसीव करने के लिए, उसी तरह का ऑप्शन आपको यहाँ आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी ऐप है। ये दोनों जो सेंड और रिसीव के ऑप्शन है, केवल YouTube Go के लिए ही डायरेक्टली काम करेंगे, यानी भी जिस भी यूज़र को फाइल सेंड या रिसीव करनी है, दोनों के पास YouTube Go होना चाहिए। तो दोस्तों, ये काफ़ी कंप्रेस्ड वर्जन है। अब मैं चाहूँ तो इसको प्ले करके बता देता हूँ आपको कि ये 11.4 MB में भी कैसी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। तो ये एक बेसिक क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ खास क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपके फ़ोन का रिजोल्यूशन कम है तो ये क्वालिटी भी अच्छी है, और साथ में ये 2G इंटरनेट पे भी काम करेगा। साथ में आपकी डाटा की सेविंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और लगभग 80% तक आपका डाटा सेव हो जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे करके इसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, YouTube ने इसे मेनली इंडियन सिटीजन्स के लिए बनाया है, क्योंकि यहाँ डेटा की स्पीड से अभी इतनी अच्छी नहीं है, और जो प्लान्स है डेटा के वो भी काफ़ी अभी कॉस्टली हैं। दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ जो YouTube की नॉर्मल ऐप है उसमें जो नया फीचर आया है उसके बारे में।
तो YouTube की नॉर्मल ऐप को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद अपना चैनल ओपन कर लेता हूँ मैं इसमें। अब देख सकते हैं ये मैंने अपना चैनल ओपन कर लिया है। अब मैं इसमें जो अपना माउस का रिव्यू वाला वीडियो था उसे ओपन करके बताता हूँ आपको कि किस तरह का ये फीचर है। तो नॉर्मली जब भी आप सिंगल टैप करेंगे स्क्रीन पर तो आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, प्ले, पॉज, नेक्स्ट और फॉरवर्ड का। दोस्तों अब अगर आप स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे राइट साइड की तरफ तो आपको जो वीडियो है वो 10 सेकंड से फॉरवर्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं आप लगातार इसमें टैप करते रहेंगे तो ये 20-30 इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अपने वीडियोस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने का। बैकवर्ड के लिए भी आपको जो लेफ्ट हैंड की साइड है वहाँ पर डबल टैप करना होगा और जितनी बार आप टैप करेंगे उस हिसाब से ये 20-30 आगे 10-10 सेकंड के राउंड में बढ़ता जाएगा। तो ये एक यूट्यूब की नॉर्मल ऐप में इंक्लूड किया गया नया फीचर है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है अगर आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड करना चाहते हैं। नॉर्मली आप जब नीचे टाइमलाइन से अगर फॉरवर्ड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो फॉरवर्ड हो जाता है, तो इससे एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है यूट्यूब का प्लेबैक अच्छा करने के लिए। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपके लिए यूट्यूब गो ऐप का शॉर्ट रिव्यू, साथ में यूट्यूब की जो नॉर्मल ऐप है उसमें आए फीचर का एक रिव्यू। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।